गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो इसमें हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे देखिए, हम सभी ऑर्गेनिज्म के पास एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है डीएनए। अगर हम देखिए जो डीएनए होता है, इसके पास भी छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं इनको बोलते हैं हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऐसी चीज जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आती है, ऑफस्प्रिंग में आती है, तो उस हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट है वो जीन है। कहने का क्या मतलब है, हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए जो है उसका क्या होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए का क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन करके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एमआरएनए। और उस एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तब यहाँ पे हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को बनाते हैं, जैसे कि कोलाजन प्रोटीन स्किन में प्रेजेंट होता है, इलास्टिन प्रोटीन स्किन में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। अब अगर समझे, मैंने कहा यहां पर मैं किसके बारे में बात करूं, मैं यहाँ पे डीएनए के हिस्से के बारे में बात करूं जिसका नाम है जीन। यहां पर इस हिस्से के बारे में बात करूं जो है जीन। ये जो जीन है यही क्या करता है, यही ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाता है और यही ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। यानी कि डीएनए का एक हिस्सा जीन ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाता है और ट्रांसलेट होकर उसी से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अगर हम यहाँ पे जीन पे फोकस करें तो जीन के पास क्या प्रेजेंट होता है, जीन के पास एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर रीजन। उसके बाद यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं कोडिंग रीजन। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर जो डीएनए होता है किस तरीके से होता है, वो होता है 5' से 3', और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो होता है 3' से 5'। क्योंकि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका मतलब क्या होता है, दो धागे यानी कि दो स्ट्रैंड साथ में होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के अंदर कॉइल हो जाते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड जो होता है 5' से 3' होता है, दूसरा जो होता है 3' से 5' होता है। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर ये जो प्रमोटर है ना, इसपे कौन आके बैठता है, इसमें ना एक एंजाइम आके बैठता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर इस प्रमोटर के ऊपर आके बैठता है, इस प्रमोटर को पहचानता है और उसके बाद आगे जाके वो किसकी सिंथेसिस करने लगता है, आरएनए की सिंथेसिस करवाना शुरू करता है। तो अगर हम यहां पे देखें, यहां पर इधर क्या प्रेजेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से मतलब कि ऐसी साइट जहां से क्या शुरुआत होने वाली है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होने वाली है, यानी कि आरएनए के सिंथेसिस की शुरुआत होने वाली है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, वो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है वो प्रमोटर के बाद है, यानी कि प्रमोटर आरएनए का हिस्सा नहीं बनता है, कौन बनता है, आगे का कोडिंग रीजन आरएनए का हिस्सा बनता है। ऐसे अगर हम टर्मिनेटर रीजन के पास जाएं तो टर्मिनेटर रीजन के पास यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट प्रेजेंट होता है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बोलेगा बस अब मेरा काम हो चुका है, अब मैं और सिंथेसिस नहीं करूंगा, यहां से आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और आरएनए को वो अलग कर देता है। अब अगर हम यहां पर देखें तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक किसकी सिंथेसिस होने वाली है, यहां से लेकर यहां तक एमआरएनए की सिंथेसिस होने वाली है। फिलहाल मैं उसको एमआरएनए भी नहीं करूंगी, कहूंगी फिलहाल मैं इसको क्या बोलूंगी, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्यों कहा है मैंने, क्योंकि अभी मेरे को इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मुझे इसको मॉडिफाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोडिंग रीजन के ऊपर जाऊं तो कोडिंग रीजन के पास ना दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक इसके पास प्रेजेंट होता है एक्सॉन, एक इसके पास प्रेजेंट होता है इंट्रॉन, एक इसके पास प्रेजेंट होता है एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, इस तरीके से इसके पास सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सॉन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सॉन क्या होगा, ट्रांसलेट होगा और उससे क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन बनाया जाएगा। जबकि जो इंट्रॉन है उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, इंट्रॉन को कट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं चलो चलो तुम्हारा काम हो गया तुम चलो। तो यहां पर भी समझो, अगर मैं बनाऊ इस तरीके से प्रेजेंट होगा एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन प्रेजेंट होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एचएनआरएनए से ये जो एक्सॉन 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 वाले रीजन है सिर्फ वही चाहिए, मुझे इंट्रॉन 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 वाले रीजन नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट देम।
तो यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर इस एच एन आर एन ए से हम इंट्रॉन को क्या कर देंगे, इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग कर देंगे, इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग कर देंगे। इसे क्या मतलब है कि इंट्रॉन को हम इसमें से कट करके रिमूव कर देंगे। अगर हमने उसको कट करके रिमूव कर दिया तो मेरे पास यहां पर क्या बचेगा, फिर मेरे पास यहां पर 5' से 3' एम आर एन ए में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बचेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन और होती है और यहाँ पे 3' एंड पे पॉली ए टेल ऐड की जाती है। पॉली ए टेल का काम क्या होता है 3' एंड पे, कि वो क्या करेगी, वो जो आरएनए है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। सिमिलरली 5' एंड पे क्या होगा, 5' एंड पे कैपिंग की जाएगी। और कैपिंग का काम भी क्या होता है, कैपिंग का काम भी होता है कि इस एमआरएनए को 5' एंड से प्रोटेक्ट करके रखे। तो 3' एंड पे हो जाएगी पॉली ए टेल और 5' एंड पे हो जाएगी कैपिंग। और यहां पर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होगा ये अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी कि ऐसा आरएनए जिसका काम है प्रोटीन के सिंथेसिस करना। अब इसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा आरएनए जो होता है, पूरा का पूरा आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा। इसमें भी स्पेसिफिक रीजन से लेकर स्पेसिफिक रीजन होता है जो कि आरएनए को जो कि प्रोटीन बनवाएगा। यहां पर भी ये स्पेसिफिक रीजन होगा जो कि प्रोटीन बनवाएगा। तो अगर हम यहां पे देखें ये जो एयूजी है इधर से क्या होगी, इधर से ट्रांसलेशन की स्टार्ट साइट होगी, यानी कि एयूजी इज द ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट। सिमिलरली यहां पर यूएजी जो होता है यह क्या होता है, स्टॉप साइट होती है, यानी कि इसका काम क्या होता है, स्टॉप कर दे ट्रांसलेशन को, बोल दे कि बस हो गया। तो मतलब अगर आप प्रोटीन देखें तो प्रोटीन सिर्फ यहां से यहां इतना रीजन जो होगा, सिर्फ इतना ही रीजन प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो बाकी का रीजन है कैपिंग से लेकर एयूजी का और ये जो यूएजी से लेकर बाकी का जो है एएए तक, वो क्या है, इनको हम बोलते हैं जो 5' एंड वाला होगा ना, इसको हम बोलेंगे 5' यूटीआर। यूटीआर का मतलब क्या होता है, यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। सिमिलरली अगर हम यहां पे बोले 3' पे भी, तो 3' पे भी इधर से लेकर इधर तक के रीजन को बोला जाता है 3' यूटीआर। यूटीआर का मतलब क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि ऐसा रीजन जो कि क्या नहीं होने वाला, ट्रांसलेट नहीं होने वाला। ये जो 5' यूटीआर है इसमें इनफैक्ट स्पेसिफिक रीजन भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। यहां पर आके कौन बाइंड करने वाला है, यहां पर आके राइबोसोम बाइंड करने वाला है, क्योंकि जैसे कि आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज होता है, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम को यहां पे किधर आके बाइंड करना पड़ेगा, 5' अनट्रांसलेटेड रीजन पे आके इसको बाइंड करना पड़ेगा, सो दैट वो यहां पे क्या कर सके, सो दैट वो यहां पे प्रोटीन के सिंथेसिस कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी कहानी चलती है। सबसे पहली बात जो जीन होता है उसके बाद प्रमोटर कोडिंग और डोमिनेटर रीजन होता है, जिसमें से प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होता है, कोडिंग रीजन और डोमिनेटर होता है। डोमिनेटर के पास ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट होती है, जिस तरह से जिधर तक आके फिर आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और आरएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी। यहां पर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, सिर्फ एक्सॉन आगे जाएंगे एमआरएनए में, और ये जो एमआरएनए है उसमें भी स्पेसिफिक रीजन होगा जो कि प्रोटीन बनाएगा, बाकी का जो रीजन होता है प्रोटीन नहीं बनाता है। एच एन आर एन ए जो होता है वो होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, जो कि पहले बनता है फिर इसकी कटिंग कटिंग करके एमआरएनए।